एक समय था जब योग विधा जो थी वो पौराणिक रूप में, और यह यूं कहा जाए कि वो गेरुआ वस्त्रधारी और जो लोग संन्यास को ग्रहण कर लेते थे उन्हीं के लिए थी। लेकिन आज इसका जो सरलीकरण किया गया है और जिस हिसाब से इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया गया है, मैं निश्चित रूप से बाबा रामदेव जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने इसे जन जन तक लोकप्रिय बनाने में और हिंदुस्तान की इस विधा को पुनर्जीवित करने में अपना जीवन समर्पित किया है। और आज यह लोगों के बीच में एक लोकप्रिय और इसके विभिन्न रूपों में बदलती हुई और जैसा आज का समाज है उस हिसाब से पूर्ण एक्सरसाइज से लेकर और पूर्ण मानसिक शांति को प्रदान करने वाली एक विधा के रूप में लगातार विकसित हो रही है, और इसका भविष्य अब हिंदुस्तान ही नहीं सारे संसार में बहुत उज्ज्वल है। मुझे करीब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं योग करते हुए, और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि योग एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारे पूरी शरीर का स्टैमिना बढ़ता है, उससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं, हमारी जो जॉइंट्स की जकड़न अकड़न जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं कोई कमर में दर्द है या पैरों में दर्द है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन की है, स्पॉन्डिलोसिस की है, ये सब इससे योग करने से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि हम इसे निरंतर करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो हमारी काफ़ी हद तक 80% बीमारियाँ कंट्रोल हो सकती हैं इससे। मैं 1 साल से योग कर रही हूँ, और इनिशियली तो मैंने काफ़ी अच्छे से नहीं किया था। जब ये एक कैंप लगा था, जिस तरह से अभी ये कैंप लगा है उसी तरह से पहले भी एक कैंप लगा था, तब मैंने स्टार्ट किया योग करना। शुरुआत में बिल्कुल मन नहीं लगा, पर धीरे धीरे जब चालू किया तो बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स देखे, जो अपने दिमाग पे माइंड का जो इफ़ेक्ट्स देखे, उससे मुझे ऐसा फील हुआ कि इसको करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि योग और माइंड और साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। जब हम योग करते हैं तो हम हमारे दिमाग को प्रॉपरली फोकस कर पाते हैं, और उसके कारण जो हमारी पूरी बॉडी में जो अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट होता है, लाइक बॉडी, माइंड, सोल, एवरीथिंग। आज सब जने योग के पीछे जा रहे हैं, सबको लगता है योग क्या है, जानना चाहते हैं, पर योग ऐसी चीज़ है कि जो स्वयं को करना है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो स्वयं को करना, इसलिए ज़रा कठिन पड़ता है। हर आदमी आता है 5-6 दिन सीखता है, फिर उसको लगता है यार योग कोई सिखाए तो ही मैं सीखूँगा, पर उसका ये नहीं है, खुद को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। योग स्वयं जो करता है उसी को लाभ है, योग की तारीफ करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है, देखने से कोई प्राप्त नहीं होने वाला है, तो आपको स्वयं को टाइम देना पड़ेगा। रोज 24 घंटे में आपको 45 मिनट कम से कम योग के लिए देना जरूरी है। और क्या है, जिनको मालूम नहीं है कि क्या है, इतने लोगों को देख के वो जरूर अट्रैक्ट होता है कि मैं भी जरूर देखूं, और जब वो अनुभव करता है तब तो वह अनुभव सेल्फ अनुभव, और जिसको जैसा अनुभव आने लगता है फिर वो जुड़ जाता है, और योग में एक बार जो जुड़ा वो कुछ भी हो जाए वो छोड़ना नहीं चाहता है, ये मेरा अनुभव है। मेरे को हो गए 25 साल योग सिखाते सिखाते और सीखते सीखते, मैं सिर्फ योग देखने गया था कि कैसे करते, और मैंने करने लग गया और मुझे इतना आनंद आ गया कि आज मैं खुद सिखाने लग गया। इसमें कई लोगों को फायदा हुआ है, किसी की किडनी का स्टोन ठीक हुआ है, किसी के बीपी ठीक हुआ है, अरविंद साहू जी का बीपी ठीक हुआ है, सुधा दीदी की शुगर ठीक हुई है, 4 महीने में पूरी कंट्रोल हुई शुगर। यहाँ हमारे श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इनको भी कब्ज रहता था काफ़ी, वो जुलकोलेक्स की दवाइयाँ लगती थी वो सारी बंद हो गई इनकी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बंद हो गई हैं। आदरणीय विदिता दीदी को इनको, और कई लोगों का वजन कम हुआ, किसी का, हर एक को लाभ हो रहा है निरंतर योग करने से। और रेगुलर क्लास बिना नागे के, एक भी दिन हम संडे की भी छुट्टी नहीं रखते हैं, रेगुलर क्लास चल रही है जनवरी 2014 से रेगुलर अभी तक, और इसमें निरंतर योग करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और आदमी की वर्किंग क्षमता बढ़ती है उसकी, ज़्यादा कार्य कर पाता है तो उस अनुसार उसको फिर लाभ भी ज़्यादा होता है।
देखिए योग और जिम दोनों बहुत डिफरेंट स्टाइल्स हैं फिटनेस की, कि जहाँ जिम में हम जाते हैं, आज की युवा पीढ़ी तो फिर भी थोड़ी जागरूक हो गई है और योग की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव देखने में आ रहा है उनका। जिम में सिर्फ फिजिकल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग ही हो सकती है, जबकि योगा के थ्रू आप, मेडिटेशन के थ्रू आप माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग, ब्रीदिंग के थ्रू आप बहुत सारे रोगों का इलाज, उपचार, और सबसे ज़्यादा तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहती है। आजकल बल्कि ये एक जीविका के रूप में बहुत अच्छा साधन हो गया है। खासकर मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए कि ये एक साफ सुथरा जीविका का है। आपने देखा होगा कि एक जब लड़कियाँ घर घर न जाकर, कहीं ऑफिस न जाकर एक योग की तरफ, यहाँ की पूरी पढ़ाई करती हैं और योग की शिक्षा ग्रहण करती हैं, योग का ज्ञान अर्जन करती हैं, उसके बाद ये क्लासेस ले रही हैं योग की, तो ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ में एक अर्निंग का सोर्स बहुत अच्छा है योग का, क्योंकि सारे लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि योग करें और स्वस्थ रहें। जैसे कि आपने देखा है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का विकास है, तो इसी तरह से योग करने से लोगों को एक अलग सा फायदा, बेनिफिट मिलता है। तो ये एक जीविका के रूप में भी लोग जा रहे हैं और घर अच्छे से लोग की शिक्षा को दे रहे हैं। देखिए योग के विषय में मैं जितना कहूँ वह कम है, क्योंकि योग हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी देन है जिसको हम ही कम स्वीकार कर रहे हो एक तरह से, लेकिन हम कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं उतने की बात को देख करके ही पूरी दुनिया ऐसा स्वीकार कर रही है कि योग इतनी अच्छी कला है जो जीने की कला है। सही रूप में जीने की कला तो योग ही है, इसलिए हम स्वयं और दूसरे और सभी के लाभ की बात सोचे तो निश्चित रूप से हमें योग का अभ्यास नियमित करना चाहिए, वह भी निरंतर स्वस्थ रहने के लिए। और जो आज हो रहा है इसका परिणाम हम देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, मैं खुलकर के नाम लेना चाहूंगा, एक ऐसी प्रतिभा हमारे देश की जिसको हमें गर्व करना चाहिए कि विदेशों में जा जा करके योग के बारे में जो कहा है सर्वविदित है, कि वो सब मान सर्वमान्य भी है, कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया और सर्वमान्य हो गया। इससे बड़ी सफलता हमारी संस्कृति के मान्यता के लिए और कौन सी हो सकती है। बहुत गर्व के साथ में मैं कहता हूं, ये बहुत अच्छा काम है जो हो रहा है।